नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोल्ट्रा। क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद दुनिया भर से फ्रांस की टीम को बधाई दी जा रही है। भारत से भी फ्रांस को कई बधाई संदेश पहुंचे। इन बधाई संदेशों में कुछ संदेश दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के भी थे, जिनमें से एक संदेश लोगों को पसंद नहीं आया और अमिताभ बच्चन को ट्रोल का शिकार होना पड़ा। दरअसल अमिताभ बच्चन ने फ्रांस की जीत पर अफ्रीका को बधाई दे डाली थी। आपको बता दें कि अमिताभ ने पहले फ्रांस को ही बधाई देते हुए ट्वीट किया था, जिस पर उन्हें एक शख्स ने बताया, फ्रांस की टीम बहुत ही विविध है। उनके 23 में से 16 खिलाड़ी वे लोग हैं जिनके परिवार फ्रांस में आकर बस गए थे। वे लोग कांगो, अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से आए थे। इससे पता चलता है कि बाहर से आए लोग कैसे बदलाव ला सकते हैं। उस शख्स के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमिताभ ने लिखा, इसका मतलब कि अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2018 जीता है, और अफ्रीका को जीत की बधाई दे डाली, जिस पर लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ ने कहा कि उन्होंने फ्रांस का अपमान किया है, तो कुछ ने उनके कमेंट को बहुत ही बचकाना बताया। आपको बता दें कि 1998 के वर्ल्ड कप में भी फ्रांस को ऐसी बातें सुनने को मिली थी, क्योंकि उनके मुख्य प्लेयर जिनेदिन जिदान और लिलियन थुरम बाहर से आकर वहां बसे थे। हालांकि जीत के बाद उन्हें इंद्रधनुष टीम कहा जाने लगा।